बहुत एवरेज क्रिकेट, बिलो एवरेज बॉलिंग, बिलो एवरेज बैटिंग, और ये स्टैट्स जो नकली स्टैट जो वहाँ पे बने हुए हैं कि भाई ये बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, रखो आप उनको वहीं पे और हमारे साथ कंपैरिजन मत करना, इनका हो जाता है टाइम टाइम फिश, क्योंकि कुछ नहीं कर पाते उनके सामने। यही शाहीन अफरीदी, यही बॉलिंग की इतनी बातें हो गई कि जैसे आपने उनको वसीम अकरम बना दिया। यार वसीम अकरम ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई, वकार यूनस ऐसे ही बन गया था। आपके स्पिनरों ने क्या कर लिया, एक समय था सकलेन मुश्ताक थे, और बैटिंग आप बाबर को, यार आप कहते हैं कि बाबर बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, भाई बाबर अच्छा खिलाड़ी है बट डोंट कंपेयर हिम विद विराट कोहली प्लीज़। आप देखिए विराट कोहली क्या कर रहे हैं। और नवाज सेठी जी, थोड़ी सी आपके लिए भी नसीहत है, आप कह रहे थे कि भारत डरता है ना, कि भारत डरता है, आप कहते थे कि पाकिस्तान के साथ खेलने में। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मैं अब ये सवाल पूछता हूँ, आप भारत से खेलोगे या पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेलेगा? वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, मर सज्जना ने भी जाना। देखिए हम खुशी नहीं मना रहे कि पाकिस्तान हार गया है, बट थोड़ा सा पाकिस्तान को आईना दिखाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की टीम कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब टीम है। भाई वेल डन टू अफगानिस्तान। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बंदिया तेरी रज़ा क्या है। तो भाई ये तो ये बिल्कुल सही लाइनें जो झुकती हैं इनके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, कि जिस लिहाज की क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे पहले तो सारे अफगानिस्तान वालों को और सारे इनके क्रिकेट के प्रशंसकों को, फैंस को, उनमें से मैं भी एक हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। जो क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो इसके लिए सैल्यूट है। पहले लताड़ा इंग्लैंड को, पिछली बार की वर्ल्ड चैम्पियन, और अब पाकिस्तान को, दो बड़ी टीमें। ये भाई आम बात नहीं, ये ख़ास बात है। और देखिए इसमें ख़ास बात हुई क्या कि टॉस जीता पाकिस्तान ने, ये मैच था चेन्नई में। हम जानते हैं कि यहाँ पे जब चेन्नई में मुकाबला होता है अक्सर टीमें टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हैं, ताकि एक बार रन ऑन द बोर्ड लग जाए, विकेट धीमी होती है तो फिर आपके स्पिनर गेम में आते हैं, आप फ़ायदे में रहते हो अगर टॉस जीत जाओ। उसका फ़ायदा उठाया था पाकिस्तान ने, रन अच्छे खासे लगा दिए थे, 282 रन बहुत होते हैं उस पिच के ऊपर, जहाँ पे मुझे लगता है कि 250 भी डिफेंड हो जाता है ठीक से अगर आप गेंदबाजी करो तो। तो वहाँ पारी तो अच्छी खेली थी शफीक ने, 58 रन की पारी, थोड़ी धीमी 75 बॉलों पे, और बाबर की वो पारी धीमी पारी 74 रन, मतलब अपने रन बन रहे हैं। अगर नीचे से शदाब के 40 और इफ्तिकार के 40 नहीं बनते तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया था इस मैच में। पर देखिए ये किसने सोचा था कि जो अफगानिस्तान जब बल्लेबाजी करने आएगी तो इस तरह परास्त करेगी पाकिस्तान को। भाई नॉर्मली हम सब कहते हैं यहाँ पे टेम्पलेट ये है कि आप पहले बल्लेबाजी कर लो और उसके बाद दूसरी टीम जो है वो चेज़ नहीं कर पाएगी, बट पाकिस्तान ने भी नहीं ये सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, बट कुछ ऐसा ही हुआ। जब अफगानिस्तान आया ना बल्लेबाजी करने, भाई सबसे पहले मेरा एक बार फिर से सैल्यूट है गुरबाज़ को, बहुत तगड़ा खिलाड़ी है भाई ये, और ये ऐसा खिलाड़ी है, निडर खिलाड़ी, ये टूट पड़ता है और ऐसा टूट पड़ता है कि बस दुनिया सोचती रहती है कि इसके आगे गेंदबाजी करे क्या। और जो निडर होके पारी खेली जाती है ना, जो टीम के लिए पारी खेली जाती है, वो कोई इससे सीखे। 53 बॉल में 65 रन, एक छक्का 9 चौके, और उनके साथ ही ज़ादरन की वो पारी 87 113 गेंदों पे, क्योंकि वो तेज़ खेल रहे थे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक अपना टाइम लेके सिंगल डबल में गेम को चला रहे थे। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली ये दोनों ओपनर्स ने। और फिर जब शाह के वो 77 रन देखते हैं 84 गेंदों में, तो आपको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है पार्टनरशिप की। जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो उसके बावजूद भी जब खिलाड़ी नया अंदर जाता तो सिंगल डबल में जो तवज्जो जब दी जाती है तो क्या होता है। तो ये भाई एक एग्जांपल सेट किया है। उनके बाद शहीदी आए थे, 48 रन उन्होंने बनाए 45 गेंदों में। भाई वेल डन टू अफगानिस्तान। चलिए ये तो अफगानिस्तान के लिए ये एक नई चीज़ नहीं है, ये अब पुरानी हो गई है, क्योंकि ये इनके मुंह पे ना शेर के मुंह पे खून लग गया है, और अब ये रुकेंगे नहीं। हमने कहा था कि ये पाकिस्तान को रौंद देंगे और रौंदा है उन्होंने पाकिस्तान को, और ये बहुत बड़ा दिन है इतिहास में, बहुत बड़ा दिन है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया है। और आज मैंने देखा इरफान पठान के साथ डांस किया राशिद खान, वाह इरफान पठान भी आज पहली बार इतना अच्छा झूमे हैं, बट वेल डन, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। वो सबसे बढ़िया तस्वीर थी जब मैंने वो देखी। और फिर आता हूँ मैं आपकी पाकिस्तान की टीम के ऊपर, क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, मर सज्जना ने भी जाना। देखिए हम खुशी नहीं मना रहे कि पाकिस्तान हार गया है,
बट थोड़ा सा पाकिस्तान को आईना दिखाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की टीम कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब टीम है। तो ये देखिए, ये खेलते हैं पाटों पे, लाहौर में पाटा बना के, कराची में पाटा बना के, और वहाँ पाटे बना के 350-300 रन जो है वो बना लेते हैं, चेज़ कर देते हैं और फिर नंबर वन टीम बन जाते हैं ICC रैंकिंग में। बट जब आते हैं वर्ल्ड कप में या एशिया कप में, तो देखिए वहाँ इनका मुकाबला होता है भारत के साथ, वहाँ मुकाबला होता है अच्छी टीमों के साथ, तो वहाँ इनका हो जाता है टाइम टाइम फिश, क्योंकि कुछ नहीं कर पाते उनके सामने। यही शाहीन अफरीदी, यही बॉलिंग की इतनी बातें हो गई कि जैसे आपने उनको वसीम अकरम बना दिया। यार वसीम अकरम ऐसे थोड़ी बन जाता है कोई, वकार यूनिस ऐसे ही बन गया था, सालों साल उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, तब जाके वसीम अकरम वकार यूनिस वो गेंदबाज बने थे, और आपने 2 सालों में इनको वो रुतबा दे दिया, रवाब दे दिया कि ये मतलब ग्रेटेस्ट है, ये फलाना है, ढिंगा है, क्या है, आपने देखा है क्या कर लिया, आपके स्पिनरों ने क्या कर लिया। एक समय था सकलेन मुश्ताक थे, है ना, और बड़े बड़े वहाँ पे मुश्ताक अहमद साहब थे, और बड़े बड़े स्पिनर हुए हैं पाकिस्तान से, वो विकटें निकालते थे, अच्छी विकटों पे विकटें निकालते थे। और अब ये गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी, फास्ट गेंदबाजी और बैटिंग। अब बाबर को यार आप कहते हैं कि बाबर बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, भाई बाबर अच्छा खिलाड़ी है, बट डोंट कंपेयर हिम विद विराट कोहली, प्लीज़। आप देखिए विराट कोहली क्या कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं, कितने मैच जिताए हैं, और ये बाबर अभी बहुत कदमे छोटे हैं। तो ज़रा थोड़ा सा ना अपनी लिमिट में रहिए, और जितने वहाँ के फैंस हैं मैं उन सबको भी ये थोड़ा सा कहूँगा कि भाई आप क्रिकेट को अच्छा सोचते हो, समझते हो, बट अगर सच्ची में समझते हो तो आपको भी पता है कि ये आपके जो खिलाड़ी है ना, ये आपको निराश कर रहे हैं और इतने काबिल है नहीं, क्योंकि इनको बोलो कि ये पाटों पे खेलने बंद करें। और नवाज सेठी जी, थोड़ी सी आपके लिए भी नसीहत है, आप कह रहे थे कि भारत डरता है ना, कि भारत डरता है, कि आप कहते थे कि पाकिस्तान के साथ खेलने में, मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मैं अब ये सवाल पूछता हूँ, आप भारत से खेलोगे या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से खेलेगा, आप ये बता दीजिए मुझे। आपको तो अब अफ़गानिस्तान से खेलने में भी डर लगेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो रुतबा रबाब दिखा रहा है ना, एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम है वो, और उनका कद बढ़ाने के लिए भारत ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी है। जब वहाँ पे हालात ठीक नहीं थे वहाँ, तब भारत ने इंडिया में उनको अपने ग्राउंड्स दिए, अपने मैदान दिए, ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कर सके, ताकि क्रिकेट जो है वो ग्लोबल स्पोर्ट्स बन सके, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव था, जिसके चलते आज देखिए अफ़गानिस्तान की जो ग्रोथ हुई है, रशीद खान, नाबी, ज़ादरान और क्या क्या खिलाड़ी इस देश ने जो है वो दिए हैं नए रोल मॉडल, ताकि वहाँ के देश के कुछ लोग इनको देख के, अपने हीरोज़ को देख के प्रभावित होकर क्रिकेट खेलना शुरू करें। पर आपकी क्रिकेट सेठी साहब, आपको ज़रा अपने ना आईने में झांक के देखना पड़ेगा, और सब खिलाड़ियों को भी, कि जिस लिहाज की क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने आप को कंपेयर करना बंद करिए हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के मुकाबले में आपकी टीम नहीं है, आपका मुकाबला अफ़गानिस्तान के साथ भी नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने भी जिस लिहाज से हराया है ना, इस पिच पे 8 विकेटों से मैच जीता है, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत ख़ास बात है। तो ज़रा ज़रा अपना आप हिसाब किताब लगा लीजिए, आप कहाँ पे खड़े हो इस वर्ल्ड कप में। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ही कोई अब आगे की दौड़ जो है वो बची हुई है पाकिस्तान के लिए, बट बहुत एवरेज क्रिकेट, बिलो एवरेज बॉलिंग, बिलो एवरेज बैटिंग, और ये स्टैट्स, जो नकली स्टैट जो वहाँ पे बने हुए हैं कि भाई ये बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, रखो आप उनको वहीं पर और हमारे साथ कंपेरिज़न मत करना। वेल डन टू अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम, और भाई मज़ा आ गया, दिवाली आपने ना पहले ही ले आए हो, इतना मज़ा आया आज, दिल खुश हो गया। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान हारा है, उनकी हारने की खुशी नहीं है, आपके जीतने की खुशी है, क्योंकि जिस लिहाज की आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, जो रशीद हो, नाबी हो, या फिर मुजीब हो, या फिर जितने भी बल्लेबाज हैं, गुरबाज हैं, अनबिलीवेबल यार, वाह मज़ा आ गया, ऐसे होते हैं रोल मॉडल। सो आई होप कि ये जो कारवा है आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और ये ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे, और क्रिकेट जो है वो ग्रो होती रहेगी इन छोटे देशों में भी, जहाँ बहुत सारे खिलाड़ी हमें ज़बरदस्त कारनामे करते हुए आगे भी देखने मिलेंगे। वेल डन अफगानिस्तान क्रिकेट, और वर्ल्ड कप में मज़ा आ गया, ये मेरे लिए अब तक का वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट मोमेंट था। आपका क्या बेस्ट मोमेंट था? ऑफकोर्स इंडिया पाकिस्तान की जीत, मुझे लगता है वो तो भारत ने जीतना ही था, बट ये जीत मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट मोमेंट था अभी तक का वर्ल्ड कप का। जो आपका बेस्ट मोमेंट है आप भी डाल दीजिए कमेंट्स में। मिलेंगे कुछ और लेके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।